अमित शाह का लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो। अनुवाद हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, अन्याय हो रहा है अंदर। नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए, ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। राजा मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। मान्यवर ये खामखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर जब सदन में बयान दिया तो कांग्रेस सांसदों से उनकी बहस हुई। इसी बीच जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से भी तीखी नोकझोंक हुई। पीओके जवाहरलाल नेहरू की गलती, जम्मू और कश्मीर का भविष्य तय करने वाले बिलों पर चर्चा का जवाब देते हुए संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जवाहरलाल नेहरू की गलती से पीओके बना है। सेना जीतने वाली थी पर नेहरू ने कश्मीर जीते बिना सीज फायर का ऐलान किया है। शाह ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर जमीन चली गई और नेहरू जी ने बोला ब्लंडर हो गया। शाह के बयान के बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दो बड़ी गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री काल में उनके लिए हुए निर्णयों से हुई, जिसके कारण कश्मीर को कई वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ा। पहला है जब हमारी सेना जीत रही थी तब युद्ध विराम की घोषणा करना, सीज फायर लगाया गया। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। दूसरा है अपने आंतरिक मुद्दों को यूएन में ले जाना। पीओके हमारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर कहा, पहले जम्मू कश्मीर में 37 सीटें थी, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 है। पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई है क्योंकि पीओके हमारा है। जी अमित शाह का लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो। अनुवाद हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, अन्याय हो रहा है अंदर। नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए, ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। राजा मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। मान्यवर ये खामखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए। अमित शाह को कोई मालूम है? कोई जानकारी नहीं है। क्या लोगों की खबर है? पीओके के लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जीएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार हैं अमित शाह।